अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। गौतम बुद्ध नगर के SSP वैभव किशन के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। शासन को भेजे गए उनके गोपनीय पत्र लीक होने के मामले में नाराज चल रहे CM योगी ने SSP के वायरल रहे वीडियो की जांच रिपोर्ट आते ही यह कार्रवाई की है। उनके वीडियो और चैट की जांच गुजरात के फॉरेंसिक लैब से करवाई गई थी। लैब की रिपोर्ट में ये वीडियो और चैट सही पाए गए हैं, जिन्हें वैभव किशन ने फर्जी बताया था। जांच में पाया गया कि वीडियो और चैट में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। गौतम बुद्ध नगर के SSP वैभव किशन के कथित वीडियो वायरल होने के बाद वैभव किशन द्वारा शासन को भेजा गया गोपनीय पत्र भी लीक हो गया था। पत्र में 5 IPS अधिकारियों पर भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे। पत्र लीक होने से सरकार की खासी किरकिरी हुई थी। DGP OP सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा था कि गौतम बुद्ध नगर के SSP से गोपनीय पत्र लीक करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके बाद IG मेरठ रेंज आलोक सिंह ने वैभव किशन को नोटिस देकर स्पष्टीकरण तलब किया था, जिसे शासन को सौंपा जा चुका है। IG आलोक सिंह ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट भी की थी। SSP वैभव किशन के सोशल मीडिया पर वायरल कथित वीडियो से शुरू हुई कहानी में अब शासन स्तर के अधिकारी तक सवालों के घेरे में है। SSP ने अपर मुख्य सचिव गृह और DGP को भेजे जाने के दावे के साथ जो पत्र सार्वजनिक किए हैं, उन्होंने लखनऊ तक सनसनी फैला दी है। जिम्मेदार अधिकारी तो इसके बावजूद दाएं बाएं देखकर बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे उतनी ही गंभीरता से लिया है। कुछ भी कहने से बच रहे अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी से ही उन्होंने रिपोर्ट तलब कर ली है। गौतम बुद्ध नगर में IT एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की विवेचना में सहयोग के लिए STF को भी लगाया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।